everybody. Today we have amazing artist with us. एक नई वेब सीरीज आने वाली है MX Player पे जिसका नाम है बिसार और इसे बनाने वाले वो कोई और नहीं none other than versatile artist ही कहना चाहिए उन्हें क्योंकि वो कभी एक्टिंग भी करते हैं राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो है ही विक्रम भट्ट सर साथ ही में हमारे साथ है ब्यूटीफुल गॉर्जियस संदीपा धार जिन्हें हम इन दिनों काफी सारे डांस वीडियोस में भी देख रहे हैं और साथ ही है ओमकार कपूर जो कि बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है और बचपन से उन्हें देखा जा रहा है क्योंकि वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी हमें नजर आए हैं सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद विक्रम सर सो विक्रम भट्ट जी क्या है ये सीरीज और इसका नाम बिसात क्यों है बिसात का मतलब बहुत लोग जानते नहीं है बिसात जो है वो शतरंज जो का जो फैलाव होता है शतरंज के खेल का तो उसे बिसात कहते हैं तो बिसात जो है वो एक्चुअली एक थ्रिलर है मर्डर मिस्ट्री है और बिसात रिश्तों की भी है बिसात क्राइम की भी है बिसात सस्पेंस की भी है इसलिए नाम है बिसात खेल शतरंज का क्योंकि यहाँ हर एक शख्स जो है वो दूसरे पे नजर रखे हुए हैं कौन खूनी है कौन नहीं इस किस्म का शो है एज ऑफ द सीट थ्रिलर और वैसे भी व्हेन इट कम्स टू योर शो तो उसमें सस्पेंस ना हो थ्रिलर ना हो इस तरह का कुछ मिस्ट्री ना हो तो वो इनकम्प्लीट ही हो गया है हाँ मैं सस्पेंस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जब मैं पिक्चर शुरू करता हूँ तो आधी स्टोरी ही जानता हूँ मुझे पिक्चर बनाने की जल्दी रहती है तो मैं कहता हूँ कि यार शुरू तो कर सिर्फ सस्पेंस ही बना सकता है आदमी जिसको खुद ही एंड पता नहीं है नहीं मुझे तो पूरी कहानी सुनाई थी और बहुत डिटेल में इनफैक्ट कहानी सुनाई थी जब सुनाई थी और मेरे को अभी भी याद है जब सुनाई थी तो इतनी पासिंग में इतने लाइक यू नो इतने कैजुअली सुनाई थी तो फॉर अ सेकंड आई वाज लाइक हाउ कैन यू नरेट समथिंग सो अमेजिंग इन सच अ कैजुअल रैंडम मैनर बट या बट बहुत मैं तो उस जिस दिन मैंने सुनी थी उसी दिन मैं हुक हो गई थी टू द स्क्रिप्ट एंड आई थिंक द वे विक्रम नरेट्स इज आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू एक्सपीरियंस दैट इट्स क्वाइट अ अमेजिंग वे द वे ही नरेट्स ओह वाओ एंड हियर कम्स टू ओमकार व्हाट मेड यू टू डू दिस स्टोरी लाइक आपका इस स्टोरी में कनेक्शन और क्या किरदार है ओमकार वेल आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अभिजीत And since it's a love story between the husband and wife, and like Vikram sir said, it's a murder mystery. I wouldn't like to reveal much of the plot, but when Vikram sir told me about the story, I mean, for me, mainly it was to work with Vikram sir. Firstly, that was the thing. And because I wanted to understand how he develops this world and creates this web of screenplay that he does. In fact, in my first meeting, I asked sir, इतनी ट्विस्टेड कहानियां लिखते कैसे हो और कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो आपको याद कैसे रखता है यू नो ये कैरेक्टर का कल्मिनेशन वहां होना चाहिए एंड में क्लाइमैक्स में ये होगा इसने इसलिए ये किया या इसने वो चीज मुझे समझने थी और मुझे मजा आ रहा था वो एक्चुअली करने में तो आई थिंक दैट इज वॉज द फन पार्ट फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ द शो सो कमिंग टू विक्रम सर बिकॉज आपके साथ काम करने के लिए आई एम श्योर एवरी आर्टिस्ट इज सो एक्साइटेड व्हेन दे गॉट टू नो ओह यू आर मेकिंग समथिंग तो मुझे लगता है कोई मना कर ही नहीं पाता होगा बट हाउ यू चूज योर किरदार क्योंकि ये कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए उस तरह का परफॉर्मेंस भी चाहिए होता है आर्टिस्ट से तो आप कैसे चूज करते हैं बिसात ही क्यों यहाँ पे जो हमारे कंट्री में स्पेशली जो जिस किस्म की कहानियां चलती हैं वो किसी इमोशनल बेस के हिसाब से चलती हैं हम हमेशा किसी भी कहानी से इमोशनली जुड़ते हैं अगर इमोशनली जुड़ नहीं पाते तो कितने भी सस्पेंस क्यों ना हो वो फिर उसका कोई मज़ा रहता नहीं क्योंकि बिसात कहानी थ्रिलर है मर्डर मिस्ट्री है लेकिन जैसे मेरी दूसरी पिक्चरें हैं या अल्फाज है या कसूर है या हॉन्टेड 1920 जो भी सारी पिक्चरें हैं उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी का क्वेश्चन रहा है और संदीपा और ओमकार के जो किरदार हैं दोनों डॉक्टर्स हैं
कैसे शो के बिगिनिंग में दोनों काफी अलग अलग हो गए हैं, और ये सारी जो बिसात है वो कैसे धीरे धीरे उनको फिर से नजदीक लाती है। तो बड़े ही लेयर्स थे इनके परफॉर्मेंस में, और दोनों ही बड़े अच्छे कलाकार हैं, तो उनको चुनना कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं, क्योंकि अच्छे एक्टर्स को तो आप चुनते ही। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो जो उन्होंने मुझे वादा किया था कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे, उस वादे पे वो खरे उतरे हैं। अरे वाह, सो क्या उम्मीदें इस सीरीज से, क्योंकि इन दिनों काफी सारी वेब सीरीज आप बना रहे हैं एंड हम लोग देख रहे हैं काफी कंटेंट इन दिनों आ भी रहा है इंडस्ट्री में, तो दिशा किस तरह बहुत अलग है बाकी सब से? मुझसे पूछे? हाँ सर, आपसे। इट्स योर सीरीज। बिसात तो माइंड ब्लोइंग सीरीज है। जब मैंने बिसात खुद देखी तो मैंने कहा यार कुछ बन गया यार तेरे से। मैं हमेशा ये मानता हूं कि फिल्में ना या सीरियलें वो बन जाती हैं, कोई बनाता नहीं, वो कुछ सही हो जाता है मामला, और जब नहीं होता तभी भी नहीं होता, तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो जब मैंने बिसात देखी तो मैंने कहा कि ये चलने वाली है बॉस। Wow, and we are also excited to watch it. IMAX Square पे आने वाली है। So coming to Omkar, Omkar आपका करियर आपने फिल्मों से स्टार्ट किया as a child actor. लेकिन उसके बाद जब बॉलीवुड फिल्म्स की बात करें तो गिनती बहुत लंबी नहीं है, लेकिन वेब शो में भी आपने कदम रख लिया है। तो ये जो सीरीज है इसको करने में, किरदार को फॉर्म करने में कितनी मेहनत और कितना वर्क आपने अपने ऊपर किया है? Actually, see, romantic comedy is that comfort zone, I think, for a guy of an age like me. So I think wo bahut natural hota hai. But, you know, the reason to work with someone so senior like Vikram sir, and especially, you know, inki filmon mein maine hamesha wo dekha hai ki relationships ki jo maturity hoti hai aur jo dynamics hote hain aur jo, you know, wo jitni depth mein sir samajhte hain aur jis hisab se likhte hain. You know, जब हम सीन्स परफॉर्म भी कर रहे थे मैं और संदीप आपस में, तो वो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार एक्चुअली यू नो अगर एक हस्बैंड वाइफ इतने साल बीत गए हैं तो उनका रिश्ता इस मोड पे अब आ गया होगा जरूर। तो वो डायनामिक वाज प्रोबेबली फॉर मी माय एक्सपीरियंस लिटिल अहेड ऑफ इट्स टाइम, सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी टू डू इट और टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट। एंड यू नो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि सर सेट पे होते थे और वो एक यू नो कई बार अपना तजुर्बा शेयर करते थे, यू नो रिश्तों में ऐसा होता है उनका, यू नो कई बार रिश्ते ऐसे टर्न हो जाते हैं, यू नो सो वो ही यूज्ड टू शेयर अ लिटिल पर्सनल एक्सपीरियंसेस आल्सो, सो इट मेड माय लाइफ एज एन एक्टर टू प्ले द कैरेक्टर वेरी इजीयर। एंड कमिंग टू संदीपा, आप अभी वेब शोज काफी सारे कर रही हैं एंड हियर कम्स बिसात ऑफ योर शो, तो हाउ योर कैरेक्टर रिवॉल्व, बिकॉज आप एक डॉक्टर हैं साथ ही में जैसे हमने ट्रेलर में देखा आप भी कहीं ना कहीं कोशिश में हैं पता करने की कि आखिर मर्डर किया किसने। एक्चुअली थ्रू द ट्रेलर आपको लगता है कि देयर अक्यूजिंग मी ऑफ द मर्डर, यस बट बिगिन विद आई थिंक जब जब विक्रम सर ने मुझे ये नरेट किया था तो देयर इज नो एक्टर जो इस ऐसी स्क्रिप्ट को ना कर सकता है फर्स्टली। In fact, I'm so thankful कि उन्होंने मुझे चुना to play किया ना, क्योंकि ये you know it's one of those once in a lifetime kind of a role, it's a very author back role जिसमें इतना उतार चढ़ाव है, इतना you know एक जो character का graph है बहुत amazingly etched out है, so I'm honestly very very thankful to him for giving me the opportunity to play Kiana. और मैंने उन्हें promise किया था कि आपने जितनी खूबसूरती से इसको लिखा है I promise that I'll try and achieve it you know in terms of my performance, and thankfully he helped me reach jahan pe you know Kiana ko jis journey pe jana tha wo kahin na kahin humne saath mein you know wo journey tay ki, aur you know I feel ki Kiana jaisa character jo ek of course ek psychiatrist hai aur wo you know uske paas ek nayi patient aati hai
जिसकी यू नो निजी जिंदगी में बहुत तनाव चल रहे हैं और यू नो उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है एंड आई यू नो गेट अक्यूज्ड ऑफ दैट मर्डर एंड देन ऑफ कोर्स द एंटायर जर्नी इज कि क्या मैंने किया है नहीं किया है कभी कभी आपको लगता है कि किया है कभी कभी आपको लगता है नहीं किया है तो That's where the entire. मैंने आखिर किया क्या ये दिखने वाला है हमें शो में for sure. क्या क्या किया बहुत कुछ किया किया ना ने thanks to the way you know it was written it और बहुत ही मजा आया कि लाइक मेरे काफी intense 50 दिन थे जो शूट के थे और I think endless discussions किए मैंने विक्रम का सर खाया मैंने on set questions पूछ के और यू नो कभी कभी हमेशा और पंग भी आ जाते थे बट ही सो यू नो ही सो ग्रेशियस एंड नाइस तो कभी नहीं बोलते थे कि कितने क्वेश्चंस पूछती हो बट इट वाज अ रियली रियली इजी शूटिंग विद विद द एंटायर क्रू एक्चुअली विद और जिस तरीके का माहौल विक्रम यू नो क्रिएट करते हैं बहुत आसान हो जाता है एक्टर्स के लिए काम करना you know and of course I think it makes a huge difference with because if, you know if everyone's on the same wavelength and sabki soch ek tarike ki hai then it just becomes easier to work together great so kitna waqt laga is series ko pura complete hone mein kab se shuru hui kyunki jab aap ek series ki baat karte to it takes a lot of time and efforts as well I mean pre-production to Vikram will be able to tell you better ki exactly you know pre-production kitne time pehle shuru hua tha but we shot for about 50 days hamara shooting time 50 din ka tha and it was lovely intense 50 days of my life so coming to Vikram sir what is the difference because when it comes to a film aap 3 ghante mein aajkal to 2.5 ghante mein 1.5 ghante mein ek story ko kehna hota hai lekin jab ek web show ki baat hoti hai to khelne ke liye kirdaar ke sath kahani ke sath kafi mauke hote hain so kis tarah se aap dekhte hain web series aur movies ko are yaar what lag gayi what lag kya hua na main aapko bataun ki mujhe aadat hai 2 ghante mein kahani batane ki 2.5 ghante mein फिर मैंने देखा कि यार ये तो कुछ 240 मिनट 250 मिनट का नरेशन है और एक डायरेक्टर जो है वो दूर से ना सारी फिल्म को या सारा जो स्टोरी ग्राफ है वो ही शुड बी एबल टू सी लेकिन मैंने कहा यार 8 एपिसोड में ये कैरेक्टर कहाँ जा रहा है वो कैरेक्टर कहाँ जाएगा तो थोड़ा डर सा लगा मेरे को तो मैंने ना पूरा ऐसे नोट्स बनाए थे ऐसे पूरा एक बैकग्राउंड नोट्स कि कहीं मैं चूक ना जाऊं कुछ कर ना जाऊं तो बहुत डरा हुआ था मैं डरा हुआ डायरेक्टर क्योंकि इतनी मेरे लिए तो फिल्म ही है एक तरह से बहुत ही लंबी फिल्म है लेकिन फिल्म है और एक्चुअली इसे शूट भी किया है मैंने फिल्म की तरह और अगर आप देखेंगे ट्रेलर भी देखेंगे तो उसका एक फिनिशिंग है in terms of sound in terms of picture aur wo trailer kafi intriguing bhi hai ki okay hone kya wala hai isme matlab kaun hai aakhir qatil main bhi confused ho gaya trailer dekh ke ke kaun hai kisne banaya picture great so aajkal itne sare platforms hai what is the best part on mx player to release it on mx player ka best part ye hai ki free hai Correct. You'll get mass audience. और वो समझते हैं कि एक इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट हर किसी के पास पैसे नहीं होते कि 3-4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करें यहाँ पे एक्चुअली इट इज द मोस्ट व्यूड प्लेटफॉर्म आई बिलीव 200 million प्लस लोग आते हैं पर मंथ और 200 million बहुत होते हैं बहुत लोग होते हैं 200 million तो इतने लोग तो आपकी पिक्चर कभी ना देते तो इतने लोगों के लिए जब आप एक चीज बना रहे हैं और आपको यकीन है कि इतने लोग तो देखेंगे ही देखेंगे तो किसी भी कलाकार के लिए किसी भी फिल्म मेकर के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि एक गारंटीड ऑडियंस है In fact, Vikram sir, I should say, आप ही हैं जिसने स्टार्ट भी किया था एक वेब सीरीज को बनाना अंडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका खुद का एक चैनल भी है उसमें कुछ हो नहीं रहा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है लेकिन है जरूर
तो जल्द उसमें भी हम कुछ देखने वाले हैं। अब क्या है कि एक टाइम जब मैंने वो YouTube पे शुरू किया था तो दूसरे ये दिग्गज चैनल्स थे नहीं। करेक्ट, इट वाज द बिगिनिंग। हाँ, YouTube पे लोग देखते थे, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना है कि कोई YouTube पे आता है नहीं, तो अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं उतनी ही खुशी से, उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से। Great. So, ये तो जल्द दिखने वाला है। So, Om, कब से दिखने वाला है ये सीरीज and why people should watch it? Please say to your audience. Omkar. अब ये आप लोगों को अवेलेबल होगा on the 15th of April on MX Player everywhere and आप लोग ये देख पाएंगे in a flow because you know जो मर्डर मिस्ट्री जो सस्पेंस थ्रिलर जॉनर होता है वो आदमी जब एक बार शुरू करता है तो चाहता है कि बस खत्म ना करे, देखते जाए देखते जाए। एंड आई थिंक हमारी जो हमारा जो शो है वो उतना ही हुकिंग और एनग्रॉसिंग है, तो आई थिंक एक बार आप जब 15th ऑफ अप्रैल को शुरू करेंगे तो आप लोग अपने यू नो अपने पर्दों से, अपने छोटे छोटे पर्दों से, अपने लैपटॉप से, अपने चिपक जाएंगे। So, एक बार जब कोई ऐसा किरदार कर ले जो इतना इंटरेस्टिंग हो, सस्पेंस वाला हो, तो क्या आगे भी इस तरह की किरदार करने की चाह है? Why not? ये तो मेरा पहला कदम था। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे सारे जॉनर एक्सप्लोर करने हैं। मैं वेरी वेरी ग्रीडी एक्टर, मैं तो चाहता हूँ कि यू नो मैं तो चाह भी रहा हूँ, मेरी और विक्रम सर की बात भी चल रही है कि मैं सर कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं, तो आई थिंक आई वुड लव टू एक्सप्लोर दिस जॉनर फॉर श्योर। इनफैक्ट ये मेरा one of the most favorite genre as a viewer, as an audience also. You know, I love these kind of films. So. And if I'm not wrong, Omkar is coming like something in suspenseful first time. Like इसके पहले आपने comedy and yeah. you know rom-com kind of किरदार किया. It is. वो ही मेरी कोशिश रही और वही मैं चाहता हूँ कि अब इसके बाद भी कुछ करूँ. तो आप कहें यार ये भी Omkar आपने पहली बार ही किया, अलग किया कुछ. तो I think हर बारी मैं आपको surprise करता रहूँ. मेरी कोशिश यही है. And we wish the same for you. Thank you so much, Omkar. Coming to Sandeepa, what do you want to say about your kirdar? Like, why people should watch you as doctor, psychiatrist? I think it's not just for my character. I think people should watch it because it's an amazing script. I think, at the end of the day, the foundation of everything is the script. And we are just adding on to it. And I think Vikram has written an amazing script. And more than that, he's made an amazing scene. When I was watching it, तो मैं जानती हूँ script, लेकिन मैं भी एक as an audience देख रही थी, तो मुझे भी लग रहा था shit, अब क्या होगा? And each episode जिस तरीके से इन्होंने end किया है, it's like a cliffhanger. You really want to know कि अगले episode में अब क्या होने वाला है. And so I think that's the reason one should watch it because it's engaging, it's entertaining, और बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने बहुत मेहनत से सबने बनाया है. And I think we've made a good, we're really proud of what we've made. Or I hope people enjoy it. And Sandeepa, what kind of roles now you're looking forward next along with the suspenseful things? Everything, yeah. I mean, I want to do everything. कोशिश कर रही हूँ हर type का role करने की. और I think जब से मैंने web series करना शुरू किया तब से मैं you know अलग-अलग genres और अलग-अलग characters करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी. In fact, अगली जो मेरी दो series आ रही हैं वो भी बिसात से एकदम ही अलग है. I already have a deal with Vikram that he's going to take me in everything that he makes. He doesn't have a choice now. I'm going to sit in their office and not leave until they cast me another one. Vikram sir, ab to ye confirm ho gaya. Sandeepa wants to come with you only. Date hi nahi hai. Mere paas saari dates hai. But I mean, on another note, I think it was mere liye mera career utna bada nahi hai, lamba nahi hai, lekin one of my most amazing experiences as an actor. Kyunki jis tarike ka kaam maine is series mein kiya, I don't think isse pehle maine kiya hai. Mujhe explore karne ka mauka diya hai aur jis tarike se Vikram ne mujhse performance nikalwaya hai, I think it's really because he has such an amazing understanding of humans and their emotions and the way actors are, because he khud ek actor hai, so I think his understanding of them is really really on point, and he's very sensitive towards actors, which is such a blessing. Great. So Vikram sir, hame next series mein aap bhi act karte nazar aane wale hain kya? Are main to bol raha hu. Are nahi, aap direct karo, hame kaam karna hai, aap direct karo. Bye.
लोगों को कोई देखने आता नहीं है, ऐसे खूबसूरत लोग जो होते हैं संदीपा जैसे, ओमकार जैसे, उनको देखने देखने आते हैं और हम खुश हैं इनके साथ बनाते हुए। MX प्लेयर पे 15 अप्रैल ये जरूर हिट होगा और उसके बाद हम इसी को एक फिल्म में कन्वर्ट करेंगे सर, पार्ट टू करेंगे। क्या बात है मेरी जान, ग्रेट। सो लास्टली विक्रम सर, व्हाट डू यू वांट टू से टू द ऑडियंस एंड लेट्स रैप द इंटरव्यू। ऑडियंस को ये कहना चाहता हूं कि ऑडियंस के लिए मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत इज्जत है, और चाहे वो फ्री में देख रहे हों किसी ऐप में, चाहे पैसा देके देख रहे हों, मुझे उनके वक्त की इज्जत है, उनके टाइम की इज्जत है, और उनकी इज्जत को, उनकी इस वक्त को रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों ने बिसात बनाई है। तो ये जो हमारी जो प्रस्तुति है, हम चाहते हैं कि वो उसको थोड़ा वक्त दें, देखें, और वो भी देखेंगे कि हमने जो उनके लिए बनाया है इतने प्यार से, वो कुछ ठीक ही बनाया है। उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को आपकी सीरीज काफी पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।